खबर पिंजौर से, जहां सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। आपको बता दें, पिंजौर से बद्दी रोड पर बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इस बस में 40 लोग सवार थे, जिनमें से 8 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। गाड़ी आ रही थी बद्दी एल बी जी, हमें खड़े थे अपना गुरुना था, ठीक है जी, हमें उसको हत दिया लिफ्ट लीव से, उसके हम बस के साथ टक्कर हो गई। ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਖੜ੍ਹੇ ਤੇ ਗੈਰ ਵਾਲਾ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਤੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਤੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਗੱਡੀ ਕੌਣ ਸੀ ਵੀ? ਐਲ ਬੀ ਗੱਡੀ ਤੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਵਹੀਂ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀ ਹੈ। वहीं हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया। वहीं घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये एक्सीडेंट सुबह करीब 8:45 के बीच की बात है। बस बद्दी की तरफ जा रही थी और ट्रक बद्दी की तरफ से आ रहा था। इसमें बस में टोटल 40 कर्मचारी सवार थे, जिसमें से 32 जेंट्स और 8 लेडीज। 8 लेडीज में से 3 को चोटें आई हैं और 5 जेंट्स को आई है, और 2 ट्रक ड्राइवर, उसमें ट्रक ड्राइवर और उसके साथी को आई। तो जिला अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में एम्बुलेंस के माध्यम से और प्राइवेट के माध्यम से भी।